This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. Hello friends, welcome to our vlog. और आज हम जा रहे हैं लोनावला राइड पे अपनी BMW पे, जो मैंने कल ही सर्विस कराई है. तो आज हम जा रहे हैं लोनावला. वैसे तो ग्रीनरी नहीं है, मॉनसून जा चुका है, फिर भी देखते हैं कि हमें कैसा व्यू मिलता है और करंट सिचुएशंस कैसी है वहाँ पे. ऐसे लॉकडाउन लगा था अभी बीच में, तो फिर अभी करंटली क्या सिचुएशन है, तो आपको सारा अपडेट मिलेगा इस वीडियो में, तो लास्ट तक देखना ना भूलिए. अभी 12 बज चुके हैं, हम लोग एक्चुअली लेट निकल रहे हैं, जो कि हम नाइट को वहीं स्टे करने वाले हैं. तो अभी हम निकलते हैं, देखते हैं बाहर का व्यू कैसा है. तो बदलापुर क्रॉस करते ही आपको दिखता है एकदम क्लीन एंड क्लियर वेदर, कोई ट्रैफिक नहीं, कुछ नहीं, एकदम अच्छे रोड. और साथ ही गर्मी थोड़ी ज़्यादा है, तो हमने रुक के पिया नारियल पानी और हम लोग आगे चलते हैं. तो खोपोली पहुंचने के बाद हम लोगों ने थोड़ा रेस्ट किया है, साथ ही अपनी BMW को भी हम लोग रेस्ट दे रहे हैं, आप देख सकते हैं. और साथ ही हमने थोड़ा सा लंच किया, जो हम लोग घर से लेके आए थे बना के. इसके बाद हम लोग सीधा खंडाला ही रुकने वाले हैं, तो चलिए चलते हैं आगे. तो अभी हम पहुंच चुके हैं खंडाला, और ये है खंडाला व्यू पॉइंट, जो कि काफ़ी बेहतरीन है. और अभी ये इतना प्यारा लग रहा है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मॉनसून में तो ये और भी बहुत प्यारा लगता होगा, बहुत ही सुंदर लगता होगा. तो आप मॉनसून में यहाँ पे ज़रूर आइए. और अभी आपके सामने है कुने वाटरफॉल. अभी यहाँ पे वाटरफॉल नहीं है क्योंकि मॉनसून नहीं है, पर अभी भी एकदम प्यारा लग रहा है देखने में. मुझे ऐसा लगा था कि ऑफ सीज़न है, मॉनसून नहीं है, तो खंडाला और लोनावला जाना इतना अच्छा नहीं रहेगा, पर यकीन मानिए अभी भी बहुत प्यारी जगह है, आप अभी भी जाके एंजॉय कर सकते हैं. तो खंडाला घूमने के बाद हम लोग जा रहे हैं लोनावला अपने होटल, हम लोग फ्रेश होके उसके बाद आगे जाएंगे टाइगर्स पॉइंट और लायंस पॉइंट. अभी हम पहुंच चुके हैं लोनावला के अपने होटल में, जो मैंने बुक किया था ऑनलाइन अगोड़ा ऐप के थ्रू. ठीक है, होटल अच्छा है, थोड़ा हाईवे पे पड़ता है इसलिए थोड़ा नॉइज़ है. तो अभी हम यहाँ पे होटल में थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, चाय पानी वगैरह पियेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट हमने 85 टू 90 किलोमीटर मैंने राइडिंग किया है और हमने ट्रैवल किया है. थोड़ा रेस्ट करके अभी हम जाएंगे लोनावला. तो हम लोग अब निकल पड़े हैं लायंस पॉइंट और टाइगर्स पॉइंट के लिए. एक्चुअली थोड़ा अंधेरा होने लगा है, तो हमें जल्दी जाना होगा, देखते हैं कैसा है. लायंस पॉइंट जाते वक्त रास्ते में आपको पहले पड़ेगा लोनावला लेक पॉइंट, यह हम लोग अभी नहीं रुकेंगे. यहाँ पे मैगी पॉइंट्स वगैरह है, यहाँ पे आप लोग सनसेट इन्जॉय कर सकते हैं, पर हम लोग रुकेंगे यहाँ पे रिटर्न आते वक्त, क्योंकि हम लोग रिटर्न आते वक्त मैगी वगैरह यहाँ पे खाएंगे रात को. और आप देख सकते हैं सनसेट कितना प्यारा लग रहा है यहाँ पे. तो फाइनली अंधेरा होने से पहले हम लोग पहुंच चुके हैं लायंस पॉइंट. अगर अंधेरा हो जाता तो हम लोग यहाँ का व्यू एंजॉय नहीं कर पाते. यहाँ का व्यू भी काफ़ी ब्यूटीफुल है, आप देख सकते हैं.
तो जैसा कि मैंने कहा था, हम लोग रिटर्न आते वक्त रुके हैं लोनावला लेक पॉइंट पे, जहाँ पे हम लोग इन्जॉय करेंगे पकोड़ाज एंड मैगी। उसके बाद हम लोग जाने वाले हैं पानीपुरी स्टेशन। पानीपुरी स्टेशन भी रास्ते पर ही पड़ता है, आप लोग मैप पर देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं और जा सकते हैं। वहाँ भी आपको काफ़ी रीजनेबल रेट्स पे पानीपुरीज एंड अदर स्नैक्स लाइक सेव पुरीज वगैरह आप लोग इन्जॉय कर सकते हैं। काफ़ी रीजनेबल रेट्स हैं और काफ़ी अच्छा टेस्ट भी है। सो गाइस, हम लोग वापस आ चुके हैं अपने होटल में। हम लोग घूम के डिनर करके वापस आ चुके हैं और अभी बज चुके हैं रात के 9:30। तो अभी हम यहाँ स्टे करके सुबह देखते हैं आसपास कोई और अच्छी जगह होगी तो हम वहाँ जाएंगे और आपको वो भी दिखाएंगे। अभी के लिए गुड नाइट, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। हेलो गाइस, तो अभी हो चुकी है सुबह 14 फरवरी की और आज हम जाने वाले हैं मुंबई, पर उससे पहले हम लोग जाएंगे मैप्रो गार्डन। काफ़ी मैंने गूगल किया है, कुछ चीज़ें मुझे मिली है जो कि हम आज घूम के जा सकते हैं मुंबई। मैप्रो गार्डन, सुनील वैक्स म्यूजियम, तो देखते हैं कैसा रहता है एक्सपीरियंस। आप जुड़े रहिए वीडियो में हमारे साथ। तो हम लोग मैप्रो गार्डन गए थे, वहाँ पे अभी ऐसा कुछ है नहीं बिकॉज मानसून नहीं है, तो वैसा रौनक नहीं था, तो हम लोग वहाँ नहीं गए। हम लोग आए हैं सुनील वैक्स म्यूजियम। यहाँ पे 200 पर पर्सन टिकट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वैक्स स्टैचूज हैं पॉपुलर सेलिब्रिटीज़ के। भाइयों और बहनों, पहले मेरा फ़ोटो निकालिए। हाँ मोदी जी, आपका ही निकाल रहा हूँ। यहाँ पे आने के बाद आप जितने चाहे फ़ोटोज़ वगैरह वीडियोज़ ले सकते हैं, जितना भी चाहे उतना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। यकीन मानिए यहाँ ज़रूर आइए, यहाँ पे आपको थोड़ा अलग एक्सपीरियंस मिलेगा। और बाहर निकलने के बाद आपको दिखेगा मिरर मेज़, आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। तो हम लोग अब निकल पड़े हैं वापस घर की तरफ मुंबई। और वापस जाते वक्त हम लोग रुकेंगे खोपोली में, जहाँ पे हमने एक लेक डिस्कवर किया है, शायद उसको पलसधारी लेक बोलते हैं। वहाँ पे भी हमने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह वीडियोज़ वगैरह क्लिक किए हैं। वो जगह भी काफ़ी अच्छी है अगर आपको कुछ शूट वगैरह करना है तो, और फ़ोटोज़ क्लिक करने हैं तो। इसी के साथ हमारा व्लॉग ख़त्म होता है। अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।